एक तरफ अमेरिका इसराइल के लिए पूरी दुनिया से टक्कर लेने का मूड बना चुका है, तो दूसरी तरफ एक देश ऐसा भी है जो अमेरिका को खुली चुनौती दे रहा है, और वो देश है पाकिस्तान। आज हमारे पास पाकिस्तान के गुजरांवाला शहर से कुछ ऐसी तस्वीरें आई है जो आने वाले समय में पाकिस्तान के विनाश का कारण बनेगी। आप उस वीडियो पर यह रिपोर्ट देखिए जिसमें लश्कर ए तैयबा के आतंकी बीच सड़क पर अमेरिका, भारत और इसराइल को धमकी दे रहे हैं। ये सब हवा में बात, हेर से, ऐसी कोई बात नहीं है। ये हमारा एक बड़ा रिच ट्रेडिशन है इस्लामिक हिस्ट्री में, कि वो आप अपनी तारीख अगर देखें तो बड़ी पड़ी है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता भले ही ये बात किसी और संदर्भ में कह रहे हों, लेकिन अगर उनके रिच ट्रेडिशन को खुद उन्हीं के देश की नजर से देखें तो वो कुछ इस प्रकार से होंगे। देखिए, रिलेशन तो सभी चाहते हैं कि बेटर होने चाहिए, जो उन्होंने कहा हम भी चाहते हैं रिलेशन बेटर होने चाहिए, लेकिन उनकी तरफ से जिस तरह की कार्रवाई हो रही है, जो आप देखते हैं जम्मू कश्मीर में आतंकवाद फैल रहा है, उससे तो इस वक्त नहीं लगता कि वो अमन शांति चाहते हैं। एक आतंकवादी की चरण वंदना पाकिस्तान का पुराना इतिहास रहा है। एक आतंकवादी को अपने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से भी ज्यादा कड़ी सुरक्षा देना भी पाकिस्तान का इतिहास रहा है। फर्क सिर्फ इतना था कि पहले वो तस्वीरें सार्वजनिक तौर पर दुनिया के सामने नहीं आती थी, लेकिन मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड और अमेरिका द्वारा ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किए जा चुके हाफिज सईद की लेटेस्ट तस्वीरें ये बात साबित करती हैं कि पाकिस्तान में एक आतंकवादी होना कितने शान की बात है। ये तस्वीरें आज की हैं, जब गुजरांवाला शहर में हाफिज सईद अमेरिका, इसराइल और भारत के खिलाफ जहर उगल रहा था। उसके गुर्गे बड़ी शान से नेतन्याहू तेरी मौत आई, लश्कर आई की नारेबाजी कर रहे थे। और इस दौरान हाफिज सईद की घुड़सवारों वाली फौज भीड़ में मौजूद एक एक व्यक्ति पर नजर रखे हुए थी। ये जितनी भी आतंकी ऑर्गेनाइजेशन है, ये पाकिस्तान आर्मी का एक्सटेंशन है। अभी आप इनकी जो इन्होंने फोटोज रिलीज की हैं, अगर उसमें भी देखेंगे, एक कोई अनऑर्गेनाइज्ड फोर्स और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वो इस किस्म की ऑर्गेनाइज्ड नहीं हो सकती जब तक उनको बेसिक जो स्टेट है उनको सपोर्ट ना करे, ऑर्गेनाइज ना करे। तो ये पाकिस्तान है, इसको हाफिज सईद को लेजिटिमेसी देने के लिए वो ऐसी चीजें सब कर रहे हैं, ताकि वो अगले साल अगर वो पाकिस्तान की इलेक्शन फाइट करता है तो उसके साथ में जो लोगों का जो एटीट्यूड है या लोगों का जो अप्रोच है वो अलग हो जाएगा, क्योंकि वो देखेंगे कि ये तो पाकिस्तान की आर्मी का हिस्सा ही है। हाफिज जैसे जैसे अपने कदम बढ़ाता, लश्कर ए तैयबा के सुरक्षा कर्मी उसके साथ साथ बढ़ते। सड़क से लेकर मस्जिद तक पाकिस्तान का वीवीआईपी हाफिज सईद बिना किसी डर और खौफ के अपना दहशत वाला एजेंडा चलाता रहा। ये एक किस्म से पाकिस्तान के लिए असेट है, गुड टेररिस्ट की गिनती में आता है। तो पाकिस्तान का मानना है ये ही एक पेट्रियाटिक टेररिस्ट है जो पाकिस्तान की मदद करेगा, और इंडिया, एंटी इंडिया के खिलाफ भी यही जो है अपना वो कारोबार या अपना प्रोग्राम चलाने में पाकिस्तान की मदद करेगा, इसलिए उसकी सिक्योरिटी को लेकर के बहुत महत्व दिया जा रहा है। ऐसे टेररिस्ट की सुरक्षा के लिए कई किस्म के हथियारों की, हाईली टेक्निकल ऑब्जेक्ट्स और दूसरे वेपन्स की भी ज़रूरत पड़ती है, तो इसमें ज़रूरी जो है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान भी इसमें शामिल होंगे। लेकिन इस बार पाकिस्तान को हाफिज सईद वाली गलती बहुत भारी पड़ेगी। यकीन नहीं होता तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति की ये बातें सुन लीजिए जो उन्होंने कल ही अफगानिस्तान में कही हैं। You know, for too long, Pakistan has provided safe haven to the Taliban and many terrorist organizations. But those days are over. President Trump has put Pakistan on notice. As the president said, so I say now. Pakistan has much to gain from partnering with the United States, and Pakistan has much to lose by continuing to harbor criminals and terrorists. We will be relentless in our campaign to destroy our enemies.
अमेरिका के उपराष्ट्रपति के इस बयान को पाकिस्तान हल्के में लेने की कोशिश न करे, क्योंकि हाल फिलहाल में डोनाल्ड ट्रंप का रवैया देखकर तो ऐसा ही लगता है कि पाकिस्तान को लेकर उनका मूड कुछ ज्यादा ही गर्म है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।